पहली बड़ी खबर आपको बता दे, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कोरोना की चौथी लहर की आशंका जताई है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर जून जुलाई में आने की उम्मीद है। कोरोना की चौथी लहर को रोकने के लिए टीकाकरण ही एकमात्र कदम है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि टीकाकरण बढ़ाने पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से एक बार फिर से टीकाकरण कराने की अपील की है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र में बुधवार से फिर से गर्मी बढ़ने की चेतावनी भारतीय मौसम विभाग ने दी है। मौसम विभाग के अनुसार 11 मई को उत्तर मध्य महाराष्ट्र में लू चलने की संभावना है। वहीं 11 और 12 मई के दौरान विदर्भ के क्षेत्रों में हीट वेव की स्थिति बन सकती है। दूसरी तरफ मुंबई और पुणे सहित महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों में आसमान में बादल के छाए रहने का अनुमान है। आने वाले कुछ दिनों में प्रदेश में मौसम ऐसे ही मिला जुला रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक ज्यादातर शहरों में संतोषजनक से खराब श्रेणी में रिकॉर्ड हो रहा है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, बृहन मुंबई नगर निगम के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा सामने आए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 10 दिनों में मुंबई में सक्रिय कोरोना वायरस के मामलों में 35% की वृद्धि हुई है। हालांकि एक बड़ी राहत के रूप में अस्पताल में भर्ती होने से संबंधित मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में अवैध कब्जे पर बुलडोजर अभियान जारी है। आज भी कई जगहों पर चलेगा बुलडोजर। दिल्ली में अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर अभियान जारी है। आज भी कई जगहों पर बुलडोजर चलेगा। नजफगढ़ गिटरौनी लोधी कॉलोनी में आज अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलना है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ट्विटर के मालिक एलोन मस्क ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर बड़ा ऐलान किया है। मस्क ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि वे ट्रंप के ट्विटर अकाउंट से बैन हटा देंगे। हालांकि बीते महीने ट्रंप के हवाले से एक बयान आया था कि अकाउंट से भले बैन हट जाए लेकिन वह ट्विटर पर वापस नहीं आएंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से कहा कि पुनर्विचार तक राजद्रोह कानून यानी 124 ए के तहत कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाए। अब इस मामले की सुनवाई 3 जुलाई को होगी। राजस्थान के भीलवाड़ा में भी एक फिर से तनाव बढ़ गया है। यहां मंगलवार की रात एक 22 साल के हिंदू युवक की कथित तौर पर दूसरे समुदाय के लोगों ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। घटना के बाद लोगों में नाराजगी फैल गई। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद और हिंदू जागरण मंच ने आज भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया है। 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई है प्रशासन की तरफ से। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आगामी विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में संगठन की मजबूती और चुनावी जीत की रणनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए बीजेपी इसी महीने 20-21 मई को जयपुर में हम बैठक करने जा रही है। ऊपर से देखने में तो यही लगता है कि बीजेपी राजस्थान चुनाव में वापसी की रणनीति तय करेगी ताकि कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया जाए। बड़ी खबर आपको बता दें, महान संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा का मंगलवार सुबह मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने सुबह 8 से 8:30 के बीच बांद्रा स्थित अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके करीबी रिश्तेदारों के अनुसार उनका निधन हृदय गति रुकने के कारण हुआ। संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के अंतिम दर्शन के लिए पत्नी जया के साथ पहुंचे अमिताभ बच्चन, दी श्रद्धांजलि। बड़ी खबर आपको बता दें, मानसून से पहले मुंबई एयरपोर्ट ने खत्म किया रनवे मेंटेनेंस का काम। मुंबई से आ रही है खबर के अनुसार अडानी ग्रुप के स्वामित्व वाला मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे का मरम्मत और रख रखाव का काम अब मानसून से पहले पूरा कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के 2,897 नए मामले सामने आए जबकि 94 लोगों की मौत हो गई 24 घंटे में। इसके बाद कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या अब बढ़कर 19,000 को पार कर गई है जबकि रोजाना के केस भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे का अयोध्या दौरा चुनौतियों से भरा नजर आ रहा है। गोंडा जनपद के कैसरगंज से बाहुबली सांसद तथा अखिल भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने उनको 5 जून को अयोध्या में नहीं घुसने देने की चुनौती दी है। तो वहीं अयोध्या के सभी बड़े महंत तथा धर्मोचार्यों ने भी ब्रिजभूषण शरण सिंह का समर्थन करके राज ठाकरे के खिलाफ बड़ी समस्या खड़ी कर दी है।
अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई बृहन मुंबई नगर निगम ने मंगलवार को कहा कि नागरिक प्रशासन 2022 के निकाय चुनाव की तैयारी कर रहा है और राज्य चुनाव आयोग द्वारा वास्तविक मतदान कार्यक्रम को अंतिम रूप देने से पहले चुनाव पूर्व प्रक्रिया को पूरा करने व रूप से तैयार होने के लिए 30 से 45 दिन का समय लगेगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लंका के पीएम महिंदा राजपक्षे मंगलवार को उस वक्त मॉब लिंचिंग का शिकार होते होते बचे जब भीड़ बड़ी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने उनके घर की तरफ कूच कर दिया। हजारों प्रदर्शनकारियों ने पीएम के आवास के मुख्य द्वार पर हमला बोल दिया था। हालांकि गनीमत यही रही कि सैनिकों ने वक्त रहते मोर्चा संभाल लिया। महिंदा राजपक्षे को सुबह कोलंबो में उनके आधिकारिक आवास से भारी हथियारों से लैस सैनिकों ने सुरक्षित बचाया। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों की तरफ से अक्सर रात को सहयात्री की मोबाइल पर तेज आवाज में गाना सुनने या वीडियो देखने की भी शिकायत रेलवे बोर्ड को मिलती है। इसके मद्देनजर रेलवे ने रात 10 बजे के बाद बिना एयरफोन के गाना सुनने या वीडियो देखने पर पाबंदी लगा रखी है। नियम अनुसार आप रात 10 बजे के बाद बिना एयरफोन के ना ही गाना सुन सकते हैं और ना ही वीडियो देख सकते हैं। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, अक्सर यात्रियों की शिकायत की जाती है कि ट्रेन में सोने के बाद टीटी टिकट चेक करने के लिए जगा देते हैं। ऐसे में उनकी नींद खराब हो जाती है और परेशानी होती है। यात्रियों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सफर को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे के नियमानुसार टीटी रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक यात्रियों के सोने के दौरान टिकट चेक नहीं कर सकता। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक में अजान बनाम हनुमान चालीसा विवाद के बाद बहुमई सरकार ने लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। कर्नाटक सरकार ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। सरकार ने इसको लेकर दिशा निर्देश भी जारी किया है। इस दिशा निर्देश में यह कहा गया है कि जिन लाउड स्पीकरों के लिए संबंधित अधिकारियों से इजाजत नहीं ली गई हो उन्हें उतारा जाएगा। शरद पवार का बड़ा बयान सामने आया। शरद पवार ने कहा, महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था जैसे मसलों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अयोध्या जाने और पूजा पाठ करने जैसे मामलों को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने 2014 में सत्ता में आने के बाद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लोगों को अस्वस्थ किया था, लेकिन इनसे निपटने में सरकार 100% नाकाम रही है और लोग उचित समय पर उससे इसकी भरपाई करेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दे, अयोध्या के बीजेपी सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि जो भी अयोध्या आएगा उसका स्वागत है, जो भी भगवान राम के शरण में आएगा उसका स्वागत है। उन्होंने कहा कि हनुमान की कृपा से अगर कोई अयोध्या में प्रभु श्री राम के चरणों में आता है तो उसका स्वागत है। मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि राज ठाकरे को सद्बुद्धि दे कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में काम करे जिससे उनका और महाराष्ट्र का कल्याण हो सके। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार जनसेवा को अपना धर्म मानकर कार्य कर रही है और हम अपने हिंदुत्व पर पूरी तरह से कायम भी हैं। अतः कोई हमें हिंदुत्व सिखाने का प्रयास ना करे क्योंकि हमें अपना हिंदुत्व और धर्म बहुत अच्छे से पता है। इस विषय में अपना बयान दिया है मंत्री आदित्य ठाकरे ने। अगली बड़ी खबर आपको बता दे, बीएमसी ने राणा दंपति को नगर निगम अधिनियम की धारा 351A के तहत कारण बताओ नोटिस किया जारी। बीएमसी ने अमरावती के सांसद नवनीत राणा और विधायक रवि राणा को नगर निगम अधिनियम की धारा 351A के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बीएमसी ने दंपति से 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। यदि वे पर्याप्त कारण का वर्णन करने में विफल रहते हैं तो बीएमसी उनकी अनुमति के बिना उल्लेखित निर्माण के खिलाफ पहल करेगी और उक्त अधिनियम की धारा 475A के तहत मुकदमा भी चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर निशाना साधा है। मुफ्ती ने कहा कि यह लोग मुगलों के समय में बनी हुई चीजें जैसे ताजमहल, मस्जिदें, किलों को बिगाड़ने के पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर दम है तो ताजमहल, लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं, फिर देखते हैं कि कितने लोग इस देश को देखने के लिए आते हैं।
महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर आप क्या सोचते हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि ताजमहल और लाल किले को मंदिर बनाकर दिखाएं। बीजेपी को चैलेंज दी है महबूबा मुफ्ती, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।